बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को अपना नमन करते हुए आज के इस झांझिया ग्राम में आप तमाम महानुभावों के बीच हम बातचीत कर रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा, इनके जीवन पर आधारित कई बातें, कई किस्से आपने इस मौके पर सुने हैं। जैसा कि आपके संचालक सूत्र संचालक ने बताया कि मैं बहुजन मीडिया से हूँ, बहुजन मीडिया से होते हुए और एक मीडिया कर्मी होने के नाते मैं शेड्यूल ट्राइब की, आदिवासी समाज की, देश के अंदर, मीडिया के अंदर, लोकतंत्र के अंदर कितनी भागीदारी है, कितनी नहीं है, इस पर आपको प्रकाश डालना चाहूँगी। मैं बताना चाहूँगी, जिस आदिवासी समाज को आज़ादी मिले, जिस आदिवासी समाज को संविधान मिले, जिस आदिवासी समाज को वोट का अधिकार मिले, 75 साल हो गए और उसके बाद आज आदिवासी समाज की स्थिति क्या है, इन तमाम बातों पर आज हम विश्लेषण करेंगे, बातचीत कर रहे हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? आज तो कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा इनके जयंती का है और ऐसे मौके पर हम ऐसा विश्लेषण क्यों कर रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा को मानने वाले लोग आखिर कहाँ हैं, मीडिया में कहाँ हैं, एजुकेशन में कहाँ हैं, नौकरियों में कहाँ हैं, जल जमीन जंगल की लड़ाई में कहाँ हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि ये भारत के मूल निवासियों का ये कल्चर है कि किसी भी कार्यक्रम में, चाहे वो जयंती का हो, चाहे वो स्मृति का हो, हमारा काम होता है इस बात की समीक्षा करना कि कल हुआ था वो आज बेहतर है कि नहीं, कल से आज बेहतर है कि नहीं, इस बात पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को हिंदी समझ आती है कि नहीं आती? हिंदी समझ आती है, हिंदी में बात कर रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर पारी कुपार लिंगों से लेकर सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन की शुरुआत हुई। ये पारी कुपार लिंगों, जिन्होंने आदि संस्कृति की रचना की, आदि संस्कृति को रखा, जिन्होंने इस देश के अंदर दुख मुक्ति का मार्ग बताया, जिन्होंने तथागत बुद्ध को मार्गदर्शन किया, वो पारी कुपार लिंगों दूसरे तीसरे कोई नहीं, आदिवासी समाज के दैवत। आदिवासी समाज के पारी कुपार लिंगों जिस व्यवस्था की बात करते हैं, जिस समाज की बात करते हैं, वह भाईचारे पर आधारित समाज व्यवस्था है। और उस पारी कुपार लिंगों के ज्ञान को लेकर, उस पारी कुपार लिंगों के मार्गदर्शन को लेकर तथागत बुद्ध ने इस देश के अंदर सामाजिक परिवर्तन की नींव रखी। ये बहुत आदिवासी समाज के बहुत कम लोग ये जानते हैं कि तथागत बुद्ध खुद पारी कुपार लिंगों से प्रभावित थे या उनके ऊपर पारी कुपार लिंगों का प्रभाव रहा होगा, क्योंकि इतिहास की जो जड़ें हैं वो दफन कर दी गई। इतिहास लिखने वाले ना आप थे, इतिहास लिखने वाले ना हम थे, किसी आदिवासी ने ये इतिहास नहीं लिखा, किसी सरकार के आदमी ने ये इतिहास नहीं लिखा, किसी मांग मार समान ने इतिहास नहीं लिखा, किसी तेली माली कुंभित इन लोगों ने इतिहास नहीं लिखा। इतिहास किसने लिखा और इतिहास किसने लिखा, इतिहास क्यों लिखा, इस पर भी हमने विश्लेषण करना चाहिए, इस पर भी हमने विचार करना चाहिए। बता दो, इस देश के अंदर चार वर्णों की व्यवस्था बनी, उस चार वर्णों की व्यवस्था को इस देश के ब्राह्मणों ने बनाया, जो बाहर से आकर इस देश के ब्राह्मण बने, चार वर्णों की व्यवस्था बनाई। बोले पहले वर्ण में ब्राह्मण रहेगा, दूसरे में क्षत्रिय रहेगा, तीसरे में वैश्य रहेगा, चौथे में शूद्र रहेगा, चार वर्णों की व्यवस्था। तो इसमें आदिवासी कहाँ है, इसमें अछूत कहाँ है, शेड्यूल कास्ट कहाँ है, शेड्यूल ट्राइब कहाँ है, इसका कभी विश्लेषण किया है, इसका कभी विचार हमने किया है? तो हमने करना चाहिए। आज आज़ादी के 75 वर्ष खत्म होने के बाद हमारे बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है और शेड्यूल ट्राइब के पहली पीढ़ी ग्रेजुएट हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट हो रही है। पहली पीढ़ी इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारे बाप दादा इसके पहले ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो पाए, बहुत कम मात्रा में हो पाए। तो हमने ये चिंतन करना है कि इस वर्ण व्यवस्था में
आदिवासी कहाँ है, इस वर्ण व्यवस्था में अछूत कहाँ है, शेड्यूल कास्ट कहाँ है। अगर हम इसका विश्लेषण करते हैं तो हमको यह समझ में आता है कि चार वर्णों की व्यवस्था में आदिवासी नहीं है, चार वर्णों की व्यवस्था में अछूत नहीं है। ये क्या कर रहे थे? तो जिस चार वर्णों की व्यवस्था ने बताया, ज्ञान लेना, शिक्षा, पढ़ने लिखने का अधिकार किसको होना चाहिए? ब्राह्मण को ही होना चाहिए। ब्राह्मण ही पढ़ेगा, ब्राह्मण ही लिखेगा और ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। लेकिन देखो, संविधान का चमत्कार ऐसा है कि एससी एसटी में मास्टरों की लाइन लगी हुई है। अब पढ़ाने वाला जो वर्ग है वो एससी एसटी ओबीसी से आने लगा है। ये संविधान का चमत्कार है। लेकिन वर्ण व्यवस्था ने बताया, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम लिख नहीं सकते, तुम पढ़ा कैसे पाओगे? जब तुम पढ़ लिख नहीं सकते तो तुम्हारा इतिहास कैसे लिखा जाएगा? और महापुरुष कहते हैं कि इतिहास उनका लिखा जाता है जो विजयी होते हैं, जो जीतते हैं। पराजित लोगों का इतिहास नहीं होता, पराजित लोगों का इतिहास विकृत किया जाता है। और इसीलिए एससी एसटी ओबीसी का जो इतिहास है वो विकृत इतिहास है। हमें राक्षस कहा जाता है, हमें असुर कहा जाता है। ये हमारा इतिहास है, क्योंकि जिन्होंने इतिहास लिखा उन्होंने तुमको इतिहास लिखने का अधिकार नहीं दिया। दूसरी बात मैं बता दूं, जिस वर्ण व्यवस्था ने कहा ज्ञान का अधिकार नहीं है, उस वर्ण व्यवस्था ने दूसरी बात कही, दूसरी बात लिखी कि आप राजपाट नहीं कर सकते। ये जो आप देख रहे हैं, ग्राम पंचायत में सदस्य, ग्राम पंचायत में सरपंच, ये देख रहे हो पंचायत समिति, जिला परिषदों में जो एससी एसटी का रिप्रेजेंटेशन देख रहे हो, ये संविधान की देन है। इस देश की वर्ण व्यवस्था कहती है कि आप ग्राम पंचायत के सदस्य भी नहीं बन सकते, सरपंच भी नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बड़ी दूर की बात है। वर्ण व्यवस्था ने तीसरी बात बताई, आप अपने ऊपर हो रहे अन्याय के लिए लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप शस्त्र धारण नहीं कर सकते। वर्ण व्यवस्था ने दूसरी एक और बात बताई, कहा आपको इस देश के सवर्णों की गुलामी करनी होगी, सवर्णों के लिए काम करना होगा। इस व्यवस्था को सबसे पहले जिसने विरोध किया वो है आदिवासी। इस व्यवस्था को, चार वर्णों की व्यवस्था को जिसने विरोध किया, जिसने कहा ये ज्ञान लेने देने का काम ब्राह्मण करेगा, ये व्यवस्था हमको नहीं चलती, ये किसने कहा? सबसे पहले आदिवासी ने कहा। ये जो राजपाट करने का अधिकार क्षत्रियों के पास है, ये मामला नहीं चलेगा, ये किसने कहा? आदिवासियों ने कहा। ये जो धन इकट्ठा करने का अधिकार है, ये व्यापार व्यवसाय करने का अधिकार है, सिर्फ वैश्यों के पास रहेगा, ये मामला भी नहीं चलेगा। सबको पढ़ने लिखने का अधिकार होना चाहिए, सबको राजपाट करने का अधिकार होना चाहिए, सबको धन इकट्ठा करने का अधिकार होना चाहिए। इस व्यवस्था को मानने वाले जो लोग रहे वो आदिवासी कम्युनिटी के रहे, और उन्होंने इस व्यवस्था के खिलाफ बिगुल फूका, जो अव्यवस्था के खिलाफ पारी कुपार लिंगों ने जिसका नेतृत्व किया। तो आज जो आज हिंदू की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, राम राज्य की बात कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को जो जिसमें आदिवासी समाविष्ट है और जिसमें नहीं है, वो दोनों को इस बात का विचार करना होगा कि पारी कुपार लिंगों का जो आंदोलन रहा, जो बिरसा मुंडा का आंदोलन रहा, वो कितना जायज है और कितना आज के तारीख में नाजायज है। आज के तारीख में हमको इसकी चिंता हमको करना होगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा ने दो दुश्मन हमको बताए थे। एक बताया इस देश का पूंजीपति, जो आपकी जल जमीन जंगल पर नजर गड़ाए बैठा है। ये पूंजीपति कहाँ से आया, ये पूंजीवाद कहाँ से आया, ये उद्योगपति कहाँ से आए, ये साहूकार शाही कहाँ से आई, ये जमींदार शाही कहाँ से आई? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये इस देश के मनुवाद की देन है।
ये इस देश के वर्ण व्यवस्था की देन है, जिन्होंने इस देश के लोगों को मुट्ठी भर लोगों को अधिकार दिए, आपको ये करना है और ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। ये भगवान बिरसा मुंडा ने जब आंदोलन छेड़ा तो भगवान बिरसा मुंडा का आंदोलन सिर्फ इसलिए ही नहीं था कि जल जमीन जंगल बच सके। उस समय के जो उद्योगपति रहे, जिसे जमींदार कहते हैं, जिन्हें जो अंग्रेज सरकार के दलाल रहा करते थे, जो इस देश के आदिवासियों के साथ उत्पीड़न करते थे, उनके साथ जुल्म जातियां करते थे, उनके जल जमीन जंगल के साथ बहु बेटियों को भी खींच कर लेकर जाते थे, इसके खिलाफ आंदोलन भगवान बिरसा मुंडा करा। बिरसा मुंडा जी ने नारा लगाया, बोले जब तक इस देश का आदिवासी अपने बहु बेटी की इज्जत को बचाने के लायक नहीं बनेगा, तब तक उसके जल जमीन जंगल भी नहीं बचा पाएगा। भगवान बिरसा मुंडा महिलाओं के समर्थक रहे, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर भी भगवान बिरसा मुंडा ने आंदोलन छेड़ा। वही बाबा साहब को अगर हम भगवान बिरसा मुंडा के विचारों से जोड़े तो बाबा साहब क्या कहते हैं, इस देश के अंदर जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, इस देश के अंदर जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है। उत्पीड़न जिस महिला का हो, एक तो महिला के आधार पर होगा, उसमें भी महिला कौन से जाति की है, क्या महिला चमार है, महिला महार है, महिला मातंग है, महिला ओबीसी है, महिला आदिवासी है, तब उत्पीड़न होता है। अगर किसी समाज पर अगर उत्पीड़न होता है, किसी समाज पर अगर समाज के साथ जुल्म जातियां होती है, वो भी जाति के आधार पर होता है। किसी भी जाति को अगर टारगेट किया जाता है, मुख्यधारा से दूर किया जाता है, वो भी जाति के आधार पर किया जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि कोकणस्थ ब्राह्मणों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ? क्या आपने कभी सुना है कि कोकणस्थ ब्राह्मण के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ? नहीं हुआ। क्या आपने कभी सुना है कि बनियाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ? क्या आपने कभी ये सुना है कि मारवाड़ी गुजरातियों के ऊपर में अन्याय अत्याचार हुआ? नहीं हुआ। ठाकुर और राजपूतों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ, ये सुना है? नहीं सुना है। क्योंकि उत्पीड़न जाति के आधार पर होता है, और ये बात जितने जल्दी हमने समझना चाहिए वो समझ लेनी चाहिए। जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, इसीलिए बाबा साहब कहते हैं कि हमारे दुश्मन जो है वो दो है। एक दुश्मन जातिवाद है, एक दुश्मन जातिवाद है, और दूसरा दुश्मन वही है जो बिरसा मुंडा ने बताया। बिरसा मुंडा ने कौन सा बताया? बिरसा मुंडा ने कहा अंग्रेज सरकार के साथ साथ इस देश के अंदर जो बिचौलिया है, जो दलाल है, जो अपने आप को उपनिवेशक कहता है, जो अपने आप को जमींदार कहता है, वो इस देश के आदिवासियों का दुश्मन है। वो सिर्फ आदिवासियों का दुश्मन नहीं है, वो जमींदार वाले जो लोग थे, कल जो जमींदार थे, अपने आप को अंग्रेजों का बिचौलिया करके जो जुल्म जातियां करते थे आदिवासियों पर, आज वो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी इस नाम में तब्दील हो गए। जानते हैं आप, जिस जल जमीन जंगल की रक्षा की बात भगवान बिरसा मुंडा ने बताया, वो जल जमीन जंगल बिक गए हैं। प्राइवेटाइजेशन और FDI के नाम पर बिस्लेरी ने नदियां खरीद ली, अडानी अंबानी ने जंगल के जंगल छत्तीसगढ़ के खरीद लिए, झारखंड के खरीद लिए। झारखंड के छोटा नागपुर को आदिवासियों का शहर कहा जाता था। आज से 100 साल पहले जब आप वहां का सेंसस देखेंगे, वहां जो जनगणना हुई उसको देखते हैं, 100 साल पहले तो वहां पर 95% आदिवासी रहते थे। आज जाकर देखिए 2011 का सेंसस, अभी तो हुआ नहीं, मोदी जी के राज में हुआ क्या जनगणना? नहीं हुआ। मोदी जी के राज में जनगणना हुई नहीं क्योंकि ओबीसी की करना पड़ेगा तो उन्होंने स्किप कर दिया। लेकिन जो 2011 का रेफरेंस है, वो 2011 का रेफरेंस कहता है कि आज झारखंड के छोटा नागपुर में मात्र 5% आदिवासी रह गए। समझ रहे हैं, 100 साल में जमशेदपुर के अंदर, 6 साल में जमशेदपुर टाटा की, जब से वहां पर टाटा इंडस्ट्री लगी है उसके बाद वहां पर आदिवासियों की संख्या 100 से खत्म होकर 5 बज गई है। तो
तो वह 95% आदिवासी आखिर गए कहाँ? 95% आदिवासी कहाँ गए हैं? वो 95% आदिवासियों को कहीं देशद्रोही करके उस पर गलत कलमे, झूठी कलमे लगाकर उसे जेल के अंदर डाल दिया है। अब दो ही परिवार है ऐसा कहा जा रहा है, अब दो ही परिवार उस जमशेदपुर में आदिवासी समाज के रह गए हैं ऐसा कहा जा रहा है। अब वो तो विश्लेषण का और वो शोध का विषय है कि क्या वो जो दो परिवार रह गए हैं वो भी मान सम्मान के साथ जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, ये राष्ट्रीय उद्यानों के नाम पर, ये विकास के नाम पर प्रताड़ित कौन हो रहा है, इसका चिंतन भी हमने करना चाहिए। और ये चिंतन कौन करेगा? ये चिंतन वो करेगा जिसको 75 साल के आजादी के बाद जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार मिला, जिनको नौकरी पानी करने का मौका मिला, क्योंकि इसके पहले हमको अधिकार नहीं था। ये चिंतन हमको इसीलिए करना पड़ेगा, ये क्यों इस प्रकार से आदिवासियों को खदेड़ रहे हैं, क्यों उनके गांव से उनको भगा रहे हैं, क्यों उनके जंगल से उन्हें बेदखल कर रहे हैं, क्यों वो ये चाहते हैं कि आदिवासी अपना क्षेत्र छोड़ दे, क्योंकि इस देश के अंदर आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासी हिंदू इसीलिए नहीं है क्योंकि आदिवासी का ये कहना है हमारे कल्चर अलग है, हिंदुओं के कल्चर अलग है। आदिवासियों का ये कहना है हमारी शादियां अलग ढंग से लगती है, हिंदू कल्चर से वैदिक और पौराणिक तरीके से नहीं लगती। आदिवासियों का ये कहना है हमारे अपने कुल दैवत है, हमारे अपने महापुरुष है, हमारे अपने भगवान है, हम प्रकृति को पूजते हैं, हमारा तरीका अलग है। हिंदुओं का तरीका अलग है, हिंदू वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, हिंदुओं में जातियां है, आदिवासी कहते हैं हमें जातियां नहीं है, हमें टोलियां थी, जो टोलियां आज उनकी सरनेम बन गई है। तो इस प्रकार आदिवासी को फिर हिंदू बनाने का काम कौन कर रहा है, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। तो यहाँ के जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट लोग हैं, जो बच्चे हैं, ये उनका काम है कि आखिर हिंदू, आखिर आदिवासी को हिंदू बनाकर फायदा होगा किसका। तो साथियों मैं बता दूं, इस देश के अंदर भगवान बिरसा मुंडा का ये मानना था कि आदिवासी की जो जल जमीन जंगल है इसको किसी भी हाल में गैर आदिवासी ने हाथ नहीं लगाना चाहिए। जो दिघु अपने आंदोलन के, जिसको दिघु कहते हैं, अपने आंदोलन के दुश्मन जो जिसे कह रहे हैं, जिसे हम डाकू और डकैत कहते हैं, आज के तारीख में जो तुम्हारे हक अधिकारों को मार रहे हैं, जो तुम्हारे हक अधिकारों को हथिया रहे हैं, जो तुम्हारे जल जमीन जंगल को छीन रहे हैं, वो डकैत हैं। उन डकैतों को पहचानना जरूरी है और इसीलिए ये हिंदू नहीं है, आदिवासी हमेशा से रट लगा रहे हैं, लेकिन इस देश की सरकारें आदिवासी को हिंदू करार देने में लगी पड़ी है। ये क्यों लगी पड़ी है, इसका मौलिक कारण मैं बताना चाहूंगी और इसको डीप में मैं चाहूंगी कि तमाम आदिवासी समाज के मेरे भाई और बहन जो पढ़े लिखे हैं वो आने वाले समय में इस पर संशोधन करे, इस पर जानकारी ले कि आखिर हिंदू अगर आदिवासी अगर हिंदू बन जाता है तो फायदा किसका होगा। सबसे पहली बात, जिसे भगवान बिरसा मुंडा ने कहा ये हमारे दुश्मन है, उनका फायदा होगा, पूंजीपतियों का। क्यों? क्योंकि इस देश का, भारत का संविधान, बाबा साहब ने SC ST OBC के लिए कुछ कलमे लिखे 340 341 342, उसके बाद भी बाबा साहब को लगा इस देश का जो आदिवासी समाज है मार्शल है, लेकिन ये शासन प्रशासन में नहीं आने से इसको जो अधिकार दिए हैं वो कहीं ना कहीं एक समय के बाद वो निष्फल हो जाएंगे, इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, क्योंकि इस देश की व्यवस्था ने उसे मुख्य धारा में नहीं आने दिया। तो बाबा साहब को लगा मात्र रिजर्वेशन या शेड्यूल ट्राइब को देने से बात नहीं बनेगी, तो आदिवासी समाज को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को और भी कुछ विशेष अधिकार देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा की जान इस आंदोलन को आगे बढ़ाते बढ़ाते चली गई।
जिन्होंने जिन्होंने अपने समाज को प्रबोधन किया, जिन्होंने जिन्होंने अपने समाज को सेल्फ रिस्पेक्ट बताया, आत्मसम्मान की लड़ाई बताई, जिन्होंने जिन्होंने अपना हिस्सा मांगा, जिन्होंने कहा हम इस देश के मूल निवासी हैं, हमको भी इस देश में रहने का अधिकार है, ये स्वराज सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है, ये स्वराज इस देश के महारो चमारो मातंगों का है, इस देश के गोंड भील माना का है, इस देश के तेली माली कुनबी पवार धनगर सुतार इनका ये देश है, इनके स्वराज्य की बात जो कह रहे थे उनको उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उनके क्या हुए, कत्लेआम हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश के अंदर जाति व्यवस्था खत्म करके एक रयत की रयत का राज स्थापित किया, रयत का राज स्थापित किया, एसटी एसटी ओबीसी भाईचारे के साथ रह रहा था, उस रयत के राज का स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज करते हैं, क्या हुआ, जहर देकर उन्हें मारा गया। उनके गुरु संत तुकाराम महाराज का क्या हुआ, जिन्होंने देश के अंदर अपने वाणी के माध्यम से मानवता को स्थापित किया, कहा अरे नौ से कन्या पुत्र होती तो का कन्या लागे पति, जिस मनुवादी व्यवस्था ने, जिस चार वर्णों की व्यवस्था ने धर्म के नाम पर बताया कि अगर आप उपास करते हैं, अगर आप नमस करते हैं तो आपको बेटा या बेटी हो जाएगी, तो तुकाराम महाराज ने सवाल किया तो पति की क्या जरूरत है, नवस ही कर लो। ऐसी बड़ी बात तुकाराम महाराज इस देश के हिंदू राष्ट्रवादियों से करते हैं तो तुकाराम महाराज का देहांत होता है, तुकाराम महाराज को नदी में डुबा के मार दिया जाता है, शिवाजी महाराज को मार दिया, तुकाराम महाराज को मार दिया, अरे इतना ही नहीं शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज को भी मार दिया। भगवान बिरसा मुंडा के साथ कुछ अलग हुआ, भगवान बिरसा मुंडा के साथ भी वही हुआ, अरे जिन्होंने भाईचारे की बात की, जिन्होंने मानवता की बात की, जिन्होंने भागीदारी की बात की, जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की, जिन्होंने वन व्यवस्था को नकार दिया, जिन्होंने कहा तुम्हारा सिस्टम मंजूर नहीं, उन तमाम लोगों को मार दिया गया, ये हमारा इतिहास है और इसके लिए जाने गई। बाबा साहब को लगा कि और जाने नहीं जाना चाहिए, आदिवासियों को उनका अधिकार कानूनी रूप से मिलना चाहिए, तो 342 से काम नहीं बनने वाला है, कैसे बनेगा, उसको विशेष अधिकार देना चाहिए, उसको और प्रोटेक्शन देना चाहिए, तो कैसा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा, क्या आपके आसपास में बाबा साहब ने कोई कमांडर छोड़े है, कोई झड़ सिक्योरिटी छोड़ी है, नहीं, आपके अधिकारों की सुरक्षित किया है। बाबा साहब ने पांचवी और छठवी अनुसूची के तहत इस देश के तमाम ट्राइबलों को विशेष अधिकार दिए हैं। पांचवी और छठवी अनुसूची के तहत जिस क्षेत्र में आदिवासी रहता है उस क्षेत्र में गैर आदिवासी कलेक्टर नहीं रहना चाहिए, जिस क्षेत्र में आदिवासी रहता है उस क्षेत्र में गैर आदिवासी कलेक्टर नहीं रह सकता, जिस क्षेत्र में आदिवासी रहता है वह तहसीलदार गैर आदिवासी नहीं रह सकता, वो आदिवासी ही होना चाहिए, जिस क्षेत्र में आदिवासी रहता है उस पंचायत समिति का क्षेत्र शेड्यूल ट्राइब ही होना चाहिए, वो रिजर्व होना चाहिए, जिस क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है उस क्षेत्र का नेतृत्व उसका लीडर गैर आदिवासी नहीं होना चाहिए, ये विशेष अधिकार है। दूसरा बताया जहाँ जहाँ आदिवासी रहते हैं, चाहे वो किसी गांव में हो, चाहे वो किसी बस्ती में हो, चाहे वो किसी जंगल में हो, उस क्षेत्र में गैर आदिवासी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, गैर आदिवासी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, चाहे फिर वो शेड्यूल कास्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट ही क्यों ना हो, जिसने इस वर्ण व्यवस्था की मार खाई है, जिसने इस वर्ण व्यवस्था के लाते जूते खाए हैं आदिवासियों के साथ, वो भी आदिवासी की जमीन नहीं खरीद सकता, भले ही तुम्हारा कितना भी भाईचारा हो, ये विशेष अधिकार दिए। लेकिन हुआ क्या कि कुछ 1950 के बाद आदिवासी कम्युनिटी के अंदर जो बदलाव आए, उन बदलाव के माध्यम से हम जो आदिवासी कल्चर है वो धीरे धीरे डिनाय होने लगा था, और अब फिर से एक उफान आया जब हमारे बच्चे कुछ पढ़ने लिखने लगे, उन्हें लगा
आदिवासी आदिवासी तभी रहेगा जब उसका कल्चर जिंदा रहेगा। आदिवासी आदिवासी तब ही रहेगा जब उसका कल्चर जिंदा रहेगा, जब उसके तौर तरीके जिंदे रहेंगे, और तब जाके अब वापस जो आदिवासी है अपने कल्चर की बात कर रहे हैं और हम हिंदू नहीं है ये दावा कर रहे हैं। अगर आदिवासी हिंदू हो जाता है तो गैर आदिवासी और आदिवासी में कुछ फर्क नहीं रहेगा। फिर आदिवासी अगर हिंदू नहीं रहेगा, आदिवासी नहीं रहता है, गैर आदिवासी बन जाता है तो वो हिंदू बन जाएगा, और हिंदू बनने के बाद कोई भी किसी की जमीन खरीद सकता है। लेकिन ये मेरा आदिवासी भाई ये समझना, इसको ये समझना होगा कि भैया अब जो हम बताते हैं कि हाँ मैं भी हिंदू हूँ, इस गर्व को हमको खत्म करना होगा, इस गर्व को खत्म करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपके हक अधिकार सुरक्षित हो। ये जो गर्व की बात है, ये गर्व की बात हमारे लिए नहीं है, ये गर्व की बात उनके लिए है जिन्होंने तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती का धर्म थोपा है, जिन्होंने तुम्हारे ऊपर जबरदस्ती के संस्कार थोपे हैं, ये उनके लिए है। तो ये गर्व करने की बात हमको छोड़ना होगा और अपने कल्चर के साथ साथ इस देश की मुख्यधारा में हमको आना होगा। मैं जानना चाहूंगी आप तमाम लोगों से कि इस देश के अंदर जिस भारत के संविधान के हम आज गाने गा रहे हैं, हम बता रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि इस भारत के संविधान ने आदिवासियों को विशेष अधिकार दिए, पेशा कानून के तहत सेफगार्ड दिया, 5वीं 6वीं अनुसूची के तहत सेफगार्ड दिया, लेकिन जहां जहां पर आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, आप चलो मेरे साथ छत्तीसगढ़ में, आपको बताते हैं जहां पर आदिवासियों ने 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात की उन्हें नक्सलवादी कहा जाता है, उन पर नक्सलवादी भी गोली बरसाता है और पुलिस प्रशासन भी गोली बरसाता है और सांसद विधायक अलग से आदिवासियों को परेशान कर रहे हैं। संवैधानिक बात कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ये 5वीं और 6वीं अनुसूची के तहत हमारा क्षेत्र है, अडानी अंबानी जैसे लोग हमारे क्षेत्र में घुसपैठ नहीं कर सकते, ये जो बोल रहा है उसके ऊपर गोलियां चलाई जा रही है। जानते हैं हमारे भाइयों को गांव से बेघर किया जा रहा है, घर से बेघर किया जा रहा है, ये जानते हैं आप? और अगर आप जानते हैं तो आप समझदार कौम है। अगर आपको इस बात की जानकारी है तो आप समझदार कौम है, और आपको पता है कि आपके कौम के साथ गलत हो रहा है तो आने वाले समय में आप इसके लिए संघर्ष जरूर छेड़ेंगे। भारत का संविधान आपको जो सेफगार्ड देता है उसमें और अन्य प्रावधान है जिसमें शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी नहीं है, उन भागीदारी में हमको फिलअप करने की जिम्मेदारी हमारी है, उसमें हमें अपनी भागीदारी स्टैब्लिश करनी होगी, सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि महापुरुष कहते हैं कि जो महापुरुष कहते हैं छत्रपति शाहू जी महाराज कि जो कौम शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं होता, कम से कम 10 से 20 साल अगर किसी कौम ने एजुकेशन नहीं लिया, 10 से 20 साल अगर किसी कौम ने नौकरी नहीं की, 10 से 20 साल किसी कौम को कोई अधिकार नहीं मिला, 10 से 20 साल तक अगर किसी कौम की नौकरी रोजगार में भागीदारी नहीं है, शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं है, उनका सरपंच नहीं बना आज तक, उनका जिला पंचायत का सदस्य नहीं बना आज तक, उनका मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर नहीं बनता है, वो कौम खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, और इसीलिए हमें अब अपनी भागीदारी की ओर सुनिश्चित करना पड़ेगा। हम पढ़े लिखे कौम के युवा यहाँ पर दिख रहे हैं और हम इनके तरफ ही हमारी जो अपेक्षाएं हैं, इनके तरफ हमारी अपेक्षा है, जो डांस कर रही थी लड़कियाँ उनके तरफ हमारी अपेक्षा है कि आने वाले समय में ये बच्चे कल अपनी भागीदारी सुनिश्चित अगर कर लेते हैं तो आदिवासी समाज जो है, जो शासन प्रशासन से कल तक पिछड़ रहा था, आने वाले समय में वो अग्रसर रहेगा। उदाहरण के लिए मैं एक बात बता रही हूँ, मैं क्यों चाहती हूँ कि आपकी भागीदारी सुनिश्चित हो। कल ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी तेजपुर और त्रिपुरा की लिस्ट लगी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है देश की, उसमें त्रिपुरा और तेजपुर जिस एरिया में आते हैं वो ट्राइबल एरिया है, अरुणाचल प्रदेश असम की तरफ ये यूनिवर्सिटीज आती है, पूर्वोत्तर राज्यों में आती हैं। अब इस यूनिवर्सिटी में 50% रिजर्वेशन है एससी और एसटी को कंबाइन,
कंबाइंड रिजर्वेशन है, और उसकी उसकी उसका ऐसा कहना है कि अगर 50 सीटें हैं तो 100 सीटें हैं, 100 में से 50 अनरिजर्व रहेगी, अनरिजर्व मतलब उसमें सवर्ण जाएंगे, लेकिन जो 50 है उसमें उसमें आदिवासी और एससी ही जाएगा। तो 50 में से 30 जो है वो शेड्यूल कास्ट का रहेगा, और जो 20 सीटें हैं उस वो शेड्यूल ट्राइब की रहेगी। कल लिस्ट लगी, तीसरा स्लॉट चल रहा है, तीसरा राउंड चल रहा है, और जब हमने देखा तो 20 सीटों में आदिवासी कम्युनिटी की सिर्फ 2 ही सीटें भरी। हम नागपुर यूनिवर्सिटी में होड़ लगा रहे हैं, हम अमरावती यूनिवर्सिटी में होड़ लगा रहे हैं, हम गोंडवाना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए होड़ लगा रहे हैं, लेकिन जहाँ इससे भी बेहतर एजुकेशन मिलता है, फ्री एजुकेशन मिलता है, अच्छा एजुकेशन मिलता है, जहाँ से राहुल सोनपिपड़े जैसे लोग तैयार होते हैं, जहाँ से कन्हैया कुमार जैसे लोगों का नाम सामने आता है, ऐसी यूनिवर्सिटी में मड़ा में क्यों नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी में गेड़ाम क्यों नहीं, ऐसी यूनिवर्सिटी में मड़ावी क्यों नहीं। तो हमारे जब बच्चे को जब हम देख रहे हैं तो सिर्फ दो ही बच्चे जा रहे हैं, बाकी की 18 सीटों का क्या हुआ इसका पता भी तो करना पड़ेगा, इसका पता करना पड़ेगा। जब हमने उसकी लिस्ट को खोजी तो हमको लगा कम से कम शेड्यूल कास्ट के ले लिए होंगे, कि जो आदिवासियों की जो जगह बची वो उसका हिस्सा किसने मिला, किसको ले मिल गया होगा, शेड्यूल कास्ट को मिल गया होगा। साथियों मैं बता रही हूँ कि 55 मार्क पर EWS के नाम पर अग्रवाल, जैन, शुक्ला, तिवारी, मिश्रा सरनेम आदिवासियों में आते हैं क्या, इनको एडमिशन मिला है। गढ़पाले, मेश्राम, रामटेके इनको भी नहीं मिला, आदिवासियों को तो नहीं मिला। तो आपकी सीटों पर कब्जा कौन कर रहा है इसकी भी जानकारी कब मिलेगी, जब हम उस रास्ते से जाएंगे। ये आलम एजुकेशन सिस्टम का है, यहाँ हमारी भागीदारी नहीं है। हम बात कर रहे हैं भारत के संविधान के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर उन 4 पिलरों की जिसके माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा होती है। संसद की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर हमारा रिप्रेजेंटेशन 100% है, 7.5% हमें रिजर्वेशन है आदिवासी कम्युनिटी को, और वहाँ पर 7.5 में से 8% हमारे भागीदार लोग हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन है। क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान कहता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन और एससी और एसटी को है, और इसीलिए उसकी भागीदारी भी वहाँ पर है। बात करते हैं कार्यपालिका की, जहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के कलेक्टर, DY कलेक्टर और अधिकारी तहसीलदार बनने चाहिए थे, वहाँ पर क्या हाल है, 2% ही आदिवासी पहुँच पाए हैं। 8% आदिवासी, 10 करोड़ जनता है इस देश के अंदर आदिवासी कम्युनिटी, अब तो बढ़कर अगर जनगणना होती है तो ये 15 करोड़ भी हो सकती है। तो ये 10 करोड़ लोगों में हमारे लोगों को सिर्फ 2% नौकरियां मिल रही हैं, इसका मतलब पालिकाओं के अंदर हमारा डब्बा गोल है, आदिवासी कम्युनिटी को उस क्षेत्र की ओर भी कूच करना पड़ेगा, हमें उस क्षेत्र की ओर भी कूच करना पड़ेगा, अच्छा एजुकेशन लेकर हमें अपने कार्यपालिकाओं में, प्रशासन में जाना पड़ेगा, कलेक्टर, DY कलेक्टर, IPS और PSI भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिसी मेकिंग के जो लोग हैं जिसे आपने संसद में भेजा वो तो नलायक निकल गए, उन्होंने तुम्हारी भागीदारी की बात नहीं की, उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया तुम गोंडवाना में पढ़ रहे हो तो गोंडवाना, नागपुर यूनिवर्सिटी, अमरावती से निकलकर दिल्ली में आओ, JNU में आओ, क्यों नहीं कहा, क्योंकि उनको मालूम है कि JNU और दिल्ली में जगह खाली है, लेकिन हमारे बच्चे जा नहीं रहे हैं, इस क्षेत्र से वो चुनकर जाते हैं, तो क्यों उन्होंने 5 बच्चों को नहीं टारगेट किया और कहा कि भैया तुम लोगों को JNU जाना है, मैं उसके लिए आपको जो चीज़ें लग रही हैं वो देना चाहता हूँ। वो नलायक निकले, वो नहीं चाहते कि इस देश का आदिवासी कम्युनिटी वो DU JNU में जाए, लेकिन हमको जाना पड़ेगा क्योंकि इस देश का संविधान हमको ये अधिकार देता है। अगर हम ये करते हैं तो हमारे समाज के अंदर छात्र निकलेंगे जो रिसर्च करेंगे अपने जाति को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, और वही चीज तार्किक तौर से मनुवाद के थोबाड़ पर चम कर कस कर मारेंगे।
रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन रिसर्च करने के बाद ही मनुवादियों के थबाड़ पे मारने के काबिल बन पाओगे और छाती ठोक कर कह पाओगे भैया तुम्हारा कम्युनिटी अलग है, तुम्हारा कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी है और हमको विशेष अधिकार है। और विशेष अधिकार का हनन अगर होता है तो तुमको क्या सजा का प्रावधान है वो भी हम IPC देख कर बता सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं न्यायपालिका की। साथियों, न्यायपालिका में 1% भी आदिवासी नहीं है। हम ये चिल्लर चपाटे कोर्टों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जहां हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे बच्चे आज तक जज नहीं बन पाए। हमारे बच्चे जज नहीं बन पाए, सिर्फ वकालत तक पहुँच पाए हैं। वकालत में भी हमें उंगलियों पर गिनने वाले लोग मिल रहे हैं। तो न्यायपालिका में अगर आपको ये विधायक सांसद आपका काम नहीं करते, अगर वो आपका आपका हिस्सा नहीं देते, वो आपको आपका भागीदारी नहीं देते, तो आपका ये काम था आप कार्यपालिका में जाकर आप अच्छा शिक्षा लेकर PhD धारक बनकर पॉलिसी मेकिंग में पहुंचते। लेकिन हम वो भी नहीं कर पाए तो हम अपने समाज के हक अधिकारों के लिए कोई भी रिट पिटीशन डालकर कोर्ट में हम केस कर सकते हैं कि भैया हमारे साथ अन्याय हुआ। लेकिन न्यायपालिका में भी शेड्यूल ट्राइब का जो डब्बा गोल है, जहां पर शेड्यूल ट्राइब की भागीदारी नहीं है, तो तुम्हारी ये जिम्मेदारी है ये खड़े युवाओं की कि न्यायपालिका में हमारे बच्चे जाना चाहिए, उसके लिए आपको काम करना होगा। चौथी बात बता रही हूँ, चौथा पिलर है मीडिया, जिसे आपने लिखा मेरे नाम के सामने बहुजन मीडिया। साथियों, ये आपके पास में छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ का हसदेव जंगल ये कई सालों से अदानी अंबानी खरीदने के लिए पीछे पड़े थे। जब राहुल गांधी की सरकार बनने जा रही थी 2017 में, तो तब उन्होंने कहा था कि मैं हसदेव जंगल को बचाऊंगा। आज आदिवासी छात्र उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, आदिवासी छात्र संघ आंदोलन कर रहा है उसके लिए, कई आदिवासी कम्युनिटी के लोग छोटे छोटे बच्चों को पकड़कर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हसदेव जंगल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया और वो अडानी ने खरीद लिया। जब खबर आई TV पर और हम देखने लगे तो ये कहा कि आदिवासी भड़क गए, आदिवासियों ने हमला किया। क्या कह रहे हैं मीडिया, क्या कह रहा है? आदिवासी भड़क गए, आदिवासियों ने हमला किया, आदिवासी पत्थरबाजी पर उतर आए, आदिवासियों ने गोली चलाई। अरे, जिनके पास खाने के दाने नहीं है वो गोली चला रहे हैं, ऐसा मीडिया बता रहा है। किसको बदनाम किया गया? इस देश के आदिवासी कम्युनिटी को बदनाम किया। किसने किया? मीडिया ने किया। क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा मीडिया नहीं है। तुम्हारा मीडिया होता तो ये बताता कि वहां का आदिवासी विस्थापित है, वो बताता कि वहां का आदिवासी पीड़ित है, वहां के आदिवासी को घर से निकाला गया, वो बताता मीडिया तुम्हारा कि उसके आदिवासी के घर को जलाया गया, आदिवासी के युवाओं को मारा गया, आदिवासी महिलाओं को जिंदा जलाया गया, ये तुम्हारा मीडिया बताता। लेकिन तुम्हारा मीडिया नहीं है तो उसने बदनाम किया, बोला आदिवासियों ने गोलीबारी की, आदिवासियों ने पत्थरबाजी की, आदिवासियों ने हमला किया। ये फर्क होता है हमारी भागीदारी नहीं होने का। और हमारे आंदोलन को, जिस आंदोलन के लिए हम बात करते हैं, जिस मानवता की हम बात करते हैं, हमारे तमाम आंदोलनों को बदनाम करने का काम लगातार मीडिया के माध्यम से होता रहा। मैं पूछना चाहती हूँ, अगर आप TV चैनल देखते हैं तो कितने आदिवासी एंकर आपने देखे हैं TV पर? नहीं देखे, इसका मतलब वहां भी डब्बा गोल है। आदिवासी एंकर नहीं है, आदिवासी रिपोर्टर देखे हैं आपने? तो आदिवासी रिपोर्टर भी नहीं है। अब देखिए, हमारे जैसे आलू चालू रिपोर्टर भी नहीं है तो पढ़े लिखे रवीश कुमार के जैसे, शंभू कुमार के जैसे रिपोर्टर मिलेंगे क्या? तो बनाना पड़ेगा, बराबर है? अब बनाना पड़ेगा, हमारे समाज के अंदर शंभू कुमार पैदा होना चाहिए और शंभू कुमार के जैसा एजुकेशन भी हमने लेना चाहिए, जैसे वो छाती फाड़ के सच बताते हैं।
वो कहते हैं कि मैं कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता। हम छोटा मीडिया है, बहुजन मीडिया, हम फॉलो करते हैं नेशनल दस्तक को, और इसीलिए शंभु कुमार की बात मैं कह रही हूँ। वो आदमी अकेला घूमता है। जब मैंने सवाल किया, आपको इतने फोन आते हैं जिसमें आपको गाली गलौज और माँ बहन की ऐसी तैसी वाली बातें कही जाती है, माँ ने पीटने की धमकी दी जाती है, तो आपको डर नहीं लगता क्या? आप क्यों काम कर रहे हैं फुले शाह बाबा साहब बिरसा का, क्या ज़रूरत है? बोले मेरा काम है आवाज़ उठाना, मेरा काम है इस देश के अंदर दलितों पीड़ितों आदिवासियों ओबीसियों के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को उजागर करना, और ये करते करते अगर मैं मर भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या कोई मैं अमर होकर नहीं आया? ये जज्बा हमारे समाज में आना चाहिए। शंभू कुमार ओबीसी है, शंभू कुमार ओबीसी है, वो इस देश के आदिवासियों के लिए, इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए मरने मिटने के लिए तैयार है वो, क्योंकि वो बात करता है। बात करने वालों को देशद्रोही कहा जाता है, लेकिन हम बात अगर संविधान की कर रहे हैं, बात हम भाईचारे की कर रहे हैं, मानवता की कर रहे हैं, तो इस देश का मीडिया कितना भी बदनाम क्यों ना कर ले, सच्चाई तो सच ही रहेगी। और इसीलिए संवैधानिक स्तर पर हमको अपने अधिकारों की बात करने के लिए हमने मीडिया में भी अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए। मैं चाहूँगी कि तमाम युवा, तमाम युवतियाँ अब अपने गोल को, अपने टारगेट को फिक्स कर ले, अपने गोल को सुनिश्चित कर ले कि हम लोकतंत्र के जो चार पिलर हैं, उस चार पिलर में हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। हम कांग्रेस बीजेपी के रिजर्व सीटों को छोड़कर रिजर्व सीटों से जाने वाले विधायक सांसदों के पीछे नहीं भागेंगे। हम कार्यपालिका में जाएंगे, हम पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, हम मीडिया में जाएंगे और अपने समाज की व्यथा, अपने समाज का दर्द, अपने समाज की तकलीफों को बात करेंगे, तकलीफों को बताएंगे और उजागर करेंगे। जिस प्रकार पूरे देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर आदिवासी कम्युनिटी का जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला, उस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के माध्यम से अगर उसका कंपेयर अगर आप भारत के अंदर करते हैं, तो वो कंपैरिजन में हमारा मूवमेंट कुछ भी नहीं है। अरे वहाँ पर मूल निवासी, जिसे आदिवासी आप कहते हैं, वहाँ के आदिवासियों को बेचा जाता था हाथ में हथकड़ी, पैर में हथकड़ी लगाकर, लेकिन अफर्मेटिव एक्शन के तहत उन्हें मुख्य धारा में लाया गया, क्योंकि वहाँ मानवतावादी लोग हैं। उन्हें बताया गया कि आपकी आपकी जो हरकत है ये गलत है, ये अमानवीय है, ये शोभा नहीं देती मानवता के लिए। उन्होंने सुधार किया, उन्होंने उन लोगों को शासन प्रशासन में एडजस्ट किया, लेकिन यहाँ की इस देश की व्यवस्था कैसी है? इस देश की व्यवस्था चाहती है कि इस देश के अंदर, इस देश का शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी ने अपने हक अधिकार की बात नहीं करना चाहिए। अगर ये अपने हक अधिकार की बात करते हैं तो इस देश का अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला ये भिकमंगे हो जाएंगे। इस देश का आदिवासी जो है वो अपने आप में धनवान हो जाएगा, संपत्ति का मालक हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा, और इसीलिए इस देश के अंदर ये सारी व्यवस्था चल रही है। आप तमाम लोग इस देश के अंदर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझेंगे। इस देश की ये आदिवासी समाज के तमाम युवाओं से मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय में आप इस व्यवस्था को समझकर इस व्यवस्था के खिलाफ में एक आंदोलन फूकेंगे, बिगुल फूकेंगे और अपनी भागीदारी को इस देश के लोकतंत्र के चारों पिलर में सुनिश्चित करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ अपनी बात को विराम देती हूँ। जय बिरसा, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।